हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक वंस अगेन आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर फिफ्थ मैग्नेटिज्म एंड मैटर आप इन क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा फिजिक्स में स्कोर करने वाले हैं इस चैप्टर से देखिए आपसे एक और चीज कहूंगा कि भाई डिस्क्रिप्शन में आपको रिमेनिंग चैप्टर्स की लिंक मिल जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तो आप जरूर जो है चैप्टर वन से लेकर के रिमेनिंग चैप्टर्स की लिंक पर क्लिक करें और सभी वीडियोस को देख सकते हैं आप इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा है ना मतलब आ, कुछ स्टूडेंट जो है डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके निकल जाएंगे लेकिन आपसे एक छोटी सी बात जरूर कहूंगा कि इन क्वेश्चंस में से भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हैं आपको सुनना है आपको जानना है कि क्वेश्चन अगर सीधा नहीं आएगा तो घुमा के कैसे पूछा जाएगा तो थोड़ा सा जो है आ, भले ही आप इसको जो है वीडियो को डबल स्पीड में देख लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आप इस वीडियो को कंप्लीट सुने जरूर कि इस वीडियो में आपसे क्या कहा गया है और बाकी चैप्टर्स की वीडियो को डिस्क्रिप्शन में से जाकर के देख सकते हैं लेट्स गेट टू द कंप्यूटर तो स्टूडेंट्स सभी हम आ चुके अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और अब जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे यहां पर मैं क्लियरली एक चीज को करना चाहूंगा कि भाई ये जो है, ये जो सीबीएसई के साथ साथ सभी स्टेट बोर्ड के लिए सभी स्टेट बोर्ड के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सर हमारा सीबीएसई बोर्ड नहीं है तो फिर क्या ये क्वेश्चन हमारे लिए काम में आएंगे या नहीं आएंगे तो मैं आपसे कहूंगा भाई आप आराम से बिल्कुल टेंशन फ्री होके इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करें ये सभी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है ना तो चैप्टर का नाम हम

डेफिनेशन है मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैग्नेटाइजिंग फोर्स मैग्नेटिक सबिलिटी मैग्नेटिक परमेबिलिटी आपको इनको हल्के में नहीं लेना है इनको फॉर्मूले के साथ अच्छे से कर लेना है ना क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे तो आपको जो है ना डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक की कम से कम मैं कहूँगा कि भाई पांच पांच प्रॉपर्टी तो याद करके रखनी है ना चार चार पांच पांच प्रॉपर्टी क्योंकि डिफरेंस भी जो है पूछ लिया जाता है तो चार चार पांच पांच प्रॉपर्टी इनकी अच्छे से करके रखिएगा और आपको जो है इसमें एडिशनल क्वेश्चन मिल जाता है कि आल्सो शो द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर दिस मटेरियल कई बार एक नंबर में अलग से ही पूछ लिया जाता है तो आपसे पूछा जाएगा भाई डाया मैग्नेटिक मटीरियल के लिए या फिर पैरा मैग्नेटिक या फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जाती हैं तो फॉर एग्जांपल मैं ये फेरो मैग्नेटिक मेटीरियल के लिए भी मैगनेटिक फील लाइन देता हूँ कि यहाँ से जो है सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस फेरो मैग्नेटिक मेटीरियल के अंदर से जाएंगी है ना चलिए तो ये हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न फॉर फेरो मैग्नेटिक मटीरियल चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है डायमैग्नेटिक वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिलेशन बिटवीन आई एच वी एंड डेल्टा आपने पढ़ा होगा टेन डेल्टा इज इक्वल टू जो है आपने को जिस तरह का डेरिवेशन बनाया होगा ना वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर या फिर आई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है ना तो ये डेरिवेशन आपको अच्छे से करना है ऑलसो टेल वेयर हॉर्जोंटल एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकम जीरो कहाँ पर हॉर्जोंटल एंड वर्टिकल कम्पोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का ज़ीरो हो जाता है अगर आपको याद आ रहा हो तो आपने पढ़ा होगा कि भाई इक्वेटर पर हॉर्जोंटल कॉम्पोनेंट मतलब ये आपका इस तरह से वर्टिकल कॉम्पोनेंट जीरो हो जाएगा नीडल का और पोल्स पर हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट जीरो हो जाएगा क्लियर है चलिए तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको मिलेगा कि भाई एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है इसको बहुत अच्छे से कर लेना है ना एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अच्छे से कर लेना है इसको क्लियर है चलिए इसके बाद ये डेरिवेशन है इसको अच्छे से करना ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें तो परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है और कौन सा मटेरियल हमें यूज़ करना चाहिए परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इसी में जो बी नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का ही हम क्यों यूज़ करते हैं गैलवानोमीटर में और ट्रांसफार्मर में कोर के फॉर्म में क्लियर है कोर के फॉर्म में ठीक है आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर सेवन ये आपको है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट है ना बार मैग्नेट के कारण एक्जियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितनी जो है मैग्नेटिक फील्ड बनती है इसके लिए हमें डेरिवेशन करना है बहुत आसान है आराम से इसको कर सकते हैं हिस्टेरेसिस कर्व अगर आपको याद आ रहा हो तो एक इस तरह का कर्व होता है हिस्टेरेसिस कर्व ये कर्व किस तरह से ड्रॉ होता है स्टील के लिए ऐसा कर्व कैसे बनेगा है ना और सॉफ्ट आयरेंगे लिए कैसा होगा इस कर्व को जो है आप पढ़ें डिफ्रेंशिएट करें और उसके बाद जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आता है तो न्यूमेरिकल कहीं से भी आ सकते हैं लेकिन मेनली आप कम से कम एन सी ई आर टी एग्ज़ाम्पल के न्यूमेरिकल्स को ज़रूर करें इसके साथ साथ आ, आप कोई भी और और भी बहुत सारी एडिशन चीज़ें कर सकते हैं लेकिन कम से कम एन सी न्यूमेरिकल्स को एग्ज़ाम्पल्स को ज़रूर करें वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ पॉसिबल हो अगर आपके लिए तो ज़रूर करें ताकि ये जो वीडियोज़ हैं सौ दो स्टूडेंट्स तक ही सबमिट करके ना रह जाएँ आपका कंट्रीब्यूशन बहुत वैल्यूबल होता है तो आप इस वीडियो को शेयर करें इसके साथ साथ जब तक अपना ये पूरा स्टैचू बन जाता है मैं इस वीडियो को कंटिन्यू रखूँगा थैंक यू सो मच गाइज थैंक्स अलाट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और आपसे मिलेंगे इसी सीरीज़ में सो शेयर कर देना इस वीडियो को थैंक यू गाइज़ व्हाट्सएप पर ठीक है ना चलिए